Hello everyone. So my name is Shubham Singhania and I'll be your mentor for UGC NET Exam. I am an expert in UGC Commerce and Management. So today we are going to start some research aptitude questions relating to paper 1 for UGC NET Exams. So aaj hum research aptitude questions ke bare mein baat karenge. Ye questions bahut hi zyada easy hote hain, but agar hame iski concept clarity nahi hoti hai to hum questions mein galtiyan kar dete hain. To main aapke liye laya hu kuch important 5 questions jo aapke exam point of view ke liye se bahut important hai. Agar aapne hamare channel ko subscribe nahi kiya hai to do subscribe to our channel Anuj Jindal taki aapko regular updates milti rahe. Hamara ek telegram group bhi hai jiska link description mein given hai. Aap hamare telegram group ko bhi join kar sakte hain taki aap regular updates, videos, questions and PDFs humse lete rahe. To shuru karte hain aaj ka pehla question jo ki research aptitude pe hai. So pehla question hai, the intended research is meant to measure the trend of declining shares of X Limited from 2002 to 2006. Which kind of research shall be used here? यहाँ आपसे simple question ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई भी research का मतलब ये है कि आप trend जानना चाहते हैं कि जो X Limited के shares हैं वो गिर रहे हैं, तो आप किस type की research को use करेंगे? तो ये जो question है, ये type of research के topic से पूछा गया है आपसे. देखते हैं चार options क्या दिए गए हैं हमें: cross-sectional research, longitudinal research, applied research एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का सॉल्व करने मिले या आप पास्ट ईयर भी सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इन चार ऑप्शंस का मतलब पता होना चाहिए. अगर आपको इन चार ऑप्शंस का मतलब पता होगा तो आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे. तो पहले इन चारों ऑप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं. क्रॉस सेक्शनल रिसर्च. क्रॉस सेक्शनल रिसर्च वो होती है जब आप एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी सारे यूनिट्स को मेजर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बहुत सारे फॉर्म्स की परफॉर्मेंस मेजर करना चाहते हैं फॉर वन टाइम पीरियड, दैट इज लेट अस से इन द ईयर 2000 हम कुछ अप्रॉक्सीमेटली 50 फर्म्स की परफॉर्मेंस मेजर करना चाहते हैं. अगर हम ये मेजर करना चाहते हैं तो वो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कहलाएगी. लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च वो होती है जब हम किसी एक ही फर्म की, लेट अस से जेड लिमिटेड, इस पर्टिकुलर फर्म की परफॉर्मेंस मेजर करना चाहते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, लेट अस से फ्रॉम 2000 टू 2002. तो जब हमने एक टाइम पीरियड में किसी एक ही फर्म की परफॉर्मेंस को मेजर किया तो वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च बन जाएगा. अप्लाइड रिसर्च के बारे में बात करते हैं. जब हम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और हमें उस सॉल्यूशन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो अप्लाइड रिसर्च हो जाती है. और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जैसे कि आपको नाम ही बता रहा है, डिस्क्राइब करना. जब भी हम किसी पास्ट इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं या किसी थ्योरी को डिस्क्राइब करते हैं तो उसे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं. तो यहां पे क्लियरली हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स लिमिटेड की डिक्लाइनिंग ट्रेंड को देखा जा रहा है फॉर द पीरियड 2002 2006. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. लिस्टिंग ऑफ बुक्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा विच आर कंसल्टेड फॉर रिसर्च वर्क इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग. सो हम जब अपनी रिपोर्ट फाइल करते हैं रिसर्च की डिसर्टेशन के टाइम पे, तो हमने जो भी बुक्स एंड रिपोर्ट्स यूज करी हैं उन्हें हमें कहीं ना कहीं साइट करना पड़ता है, कहीं ना कहीं मेंशन करना पड़ता है अपनी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर. तो यहाँ पे आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि जो बुक्स एंड रिपोर्ट्स होंगी जो आपने कंसल्ट करी है अपने रिसर्च वर्क के लिए, उसे आप कहाँ शो करेंगे या उसे क्या कहा जाता है. तो लेट अस हैव अ लुक एट द ऑप्शंस नाउ. ऑप्शन ए इज रेफरेंसिंग, ऑप्शन बी इज फुटनोट्स, ऑप्शन सी इज बिब्लियोग्राफी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव. अब यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन लाना चाहूंगा रेफरेंसिंग एंड बिब्लियोग्राफी के बीच में, जहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं. सो रेफरेंसिंग का मतलब ये है कि जब भी आप कुछ पास्ट स्टडीज को, पास्ट रिसर्च पेपर्स को कहीं पे भी अपने रिसर्च पेपर में यूज करते हैं या साइट करते हैं, तो हम उसे रेफरेंस सेक्शन में शो करते हैं किसी ना किसी स्टाइल से. आपने APA स्टाइल का नाम सुना होगा, हम APA स्टाइल से रेफरेंसिंग कर सकते हैं. आपने शिकागो स्टाइल सुना होगा. इसी तरीके के काफ़ी और स्टाइल्स होते हैं, रेफरेंसिंग स्टाइल्स होते हैं जिसे आप अपने रेफरेंस कॉलम में डाल सकते हैं. और अगर आपने कुछ बुक्स, रिपोर्ट्स या बाकी अदर कुछ लिंक्स यूज किए हैं अपने रिसर्च वर्क में, तो आप उसे बिब्लियोग्राफी के कॉलम में दिखाते हैं. तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन कौन सी बुक्स रेफर करी हैं, हमने क्या रिपोर्ट्स रेफर करी हैं, और हम इन्हें बिब्लियोग्राफी पोर्शन में डाल सकते हैं. फुटनोट्स के बारे में, जैसे कि हम सब जानते हैं कि फुटनोट्स का मतलब होता है कि अगर हमने नीचे कुछ सोर्स देना है, अगर हमने कुछ पिक्चर यूज करी है, तो हम उसे इन द फॉर्म ऑफ सोर्स वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि उसका सोर्स क्या है. ये हम फुटनोट्स में डालते हैं. सो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल गया कि बुक्स एंड रिपोर्ट्स को हमें कहाँ शो करना है, बिब्लियोग्राफी में. तो इसका क्लियर कट आंसर सी हो जाएगा. आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ.
Non-sampling error is not caused by which of the below mentioned elements. ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, यहाँ पे not caused पूछा जा रहा है, मतलब कि non-sampling error इनमें से कौन से option की वजह से नहीं होता है। तो options को देखते हैं, faulty research design, faulty sample size, faulty research device, D, faulty research approach। अब यहाँ पे options तो बहुत easy हैं, but सबसे पहले ये important है कि हमें पता हो कि non-sampling error होता क्या है। तो जनरली जब भी हम एक सैंपल का यूज़ करते हैं या कोई भी रिसर्च करते हैं तो दो टाइप के एरर्स अराइज हो सकते हैं, एक होता है सैंपलिंग एरर एंड दूसरा एरर होता है नॉन सैंपलिंग एरर। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये दो टर्म्स पता हों ताकि हम आगे आने वाले भी क्वेश्चंस भी कर सकें इसलिए। तो सैंपलिंग एरर क्या होता है कि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो हम हमेशा एक सैंपल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक क्लास की हाइट के बारे में पता करना है कि पूरी क्लास की एवरेज हाइट क्या है, तो हम पूरी क्लास का मेजरमेंट नहीं करते हैं, हम एक सैंपल यूज़ कर सकते हैं 5 स्टूडेंट्स का। अब लेट अस से दैट अगर हमने पूरे क्लास का की हाइट को मेजर किया तो उसकी एवरेज हाइट आई 5 by 8 inches, 5 feet 8 inches, और अगर इन 5 स्टूडेंट्स का सैंपल लेते हुए हमने जब मेजर किया तो जो हमें एवरेज हाइट मिल के आई दैट इज 5.6 inches, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 2 inches का, ये हमारा सैंपलिंग एरर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा केस है, हम इसे सैंपलिंग एरर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सैंपल यूज करने की वजह से एक एरर आ रहा है, इसलिए इसे हम सैंपलिंग एरर कह देते हैं। और इसके सिवाय अगर कोई और एरर आता है जो डिज़ाइनिंग की वजह से है, या आपने गलत टूल यूज़ किया है, या आपने गलत टेक्निक यूज़ कर दी है, या आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, तो हम उसे नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली हमसे पूछा जा रहा है कि नॉन सैम्पलिंग एरर इज नॉट कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो नॉन सैम्पलिंग एरर फॉल्टी रिसर्च डिज़ाइन की वजह से भी हो सकता है, फॉल्टी रिसर्च डिवाइस की वजह से भी हो सकता है, फॉल्टी रिसर्च अप्रोच मतलब अगर आपने गलत रिसर्च अप्रोच यूज़ किया है, गलत टेक्निक्स यूज़ किए, इसकी वजह से भी हो सकता है। बट नॉन सैम्पलिंग एरर सैम्पलिंग साइज की वजह से नहीं हो सकता है, बिकॉज सैम्पल साइज की वजह से जो एरर होता है उसे हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। सो हमारा क्लियर कट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ही ध्यान से हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है और तब समझना है कि करेक्ट आंसर क्या है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। मिस्टर पी यूजेस द सेम सैम्पल अगेन एंड अगेन and achieves the same result using same kind of statistical method. Mr. P is said to achieve dash. So ये एक analytical question है, आपको यहाँ पे case study के form में दिया हुआ है कि Mr. P एक same sample को बार बार use करते हैं और उनके results भी same आ रहे हैं using same statistical technique. तो इनमें से कौन सा element नीचे दिए गए options में से Mr. P achieve करते हैं। So let us have a look at the options now. Is it A, validity? Is it B, reliability? Is it C, objectivity? And is it D, subjectivity? तो एक बार इन टर्म्स को भी समझ लेते हैं। वैलिडिटी का मतलब होता है सही होना, एक्यूरेट होना, वैलिड है वो, पता है हमें। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ को हम बार बार टेस्ट करते हैं तो वो सेम रिजल्ट देता है, या फिर वो अगर कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है। तो कंसिस्टेंसी इज द अदर वर्ड डैट यू कैन यूज फॉर रिलायबिलिटी। ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो जहाँ पे कोई भी पर्सनल बायसनेस या पर्सनल इन्फ्लुएंस नहीं आता है उसे हम कहते हैं कि जो रिसर्च है वो ऑब्जेक्टिव है, देयर इज नो पर्सनल बायस इन्वॉल्व इन इट। सब्जेक्टिविटी जस्ट अपोजिट है ऑब्जेक्टिविटी का, जहाँ पे पर्सनल बायस प्रेजेंट होता है या यहाँ पे किसी भी फैक्टर की वजह से हमारी रिसर्च इन्फ्लुएंस होती है। सो क्लियरली आपको चारों टर्म का मतलब पता चल गया। अब यहाँ पे क्योंकि बार बार उन्हें सेम रिजल्ट्स मिल रहे थे इसलिए हम कंसिस्टेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डैट इज रिलायबिलिटी। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। Identify the odd one out from the following statements. तो कई बार आपको एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं जहां पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हों और आपको आइडेंटिफाई करना हो कि इनमें से कौन सा odd one out है। So let us have a look at the options now. The first option is Indian economy is facing higher inflation rate. ये एक fact based statement है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक descriptive statement है। तो इसे identify कर लेते हैं कि पहला जो statement है वो हमें descriptive form में मिला है। Second, 25% ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कम टू ऑफिस लेट रेगुलरली। अगेन ये एक फैक्ट है एनालिसिस के बेसिस पे जो डिस्क्राइब किया गया है। सो अगेन ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है सी, तो ये दोनों सेम स्टेटमेंट हो गए। सी ऑप्शन देखते हैं। विद द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। नाउ ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर रहा है कि जैसे ही किसी का प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बढ़ जाएगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाएगी। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट नहीं है, रैदर ये कॉजल स्टेटमेंट है, या आप कह सकते हैं एनालिटिकल स्टेटमेंट है, जहाँ पे एनालिटिकल रिसर्च का यूज़ किया जा रहा है। सो ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं।
India might overtake China in terms of population in the coming years. Again, since this is a descriptive statement, हमें clearly पता चल रहा है. तो इस तरीके से अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे ए बी और डी वाले स्टेटमेंट हैं वो डिस्क्रिप्टिव के फॉर्म में हैं एंड जो सी है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के फॉर्म में है. सो हमसे ऑड वन आउट पूछा गया है स्टेटमेंट, तो यहाँ पे क्लियर कट आंसर सी हो जाएगा. आई होप जो हमने ये 5 क्वेश्चंस किए हैं ये आपको हेल्पफुल होंगे आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमने टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें. अगर आपको इन 5 क्वेश्चन से आपको लगता है कि आपने कुछ नया लर्न किया है तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अनुज जिंदल. टिल देन कीप स्टडिंग. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.